ऑल राइट, सो टॉपिक मैटर अराउंड अस प्योर बाद में. मैटर अराउंड अस प्योर में सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस. सब्सटेंस का क्या मतलब है? देखो सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं, राइट. एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर या मिक्सचर्स, ठीक है. तो सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस इज एनी मैटर. क्या डेफिनेशन लिखी है सब्सटेंस की? विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. तो सब्सटेंसेस के हाँ डेफिनेशन देखिए, सब्सटेंस की कोई डेफिनेशन दे रखी है हमारे. तो क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज प्योर सब्सटेंस. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. तो वो क्या कह रहे हैं? सब्सटेंस को ये सिर्फ प्योर सब्सटेंस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. तो डेफिनेशन लिखो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि बाकी सबको मिक्सचर बोलेंगे. सब्सटेंस का मतलब है वो प्योर है. तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, टाइप्स ऑफ मैटर, सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. And a pure substance is a single form of matter. Clear ये point? ये बात समझ में आई? जैसे for example पानी, जो elements और compounds होते हैं ये pure होते हैं, तो इन्हें हम substance बोल सकते हैं. Clear ये point? ठीक है. Next, mixture. What is a mixture? इसी के साथ अगर हम mixture की definition देखें, question पूछे कोई हमसे what is a mixture? Mixture is made up of more than one type of particle. What is a mixture? Mixtures are constituted by more than one type of pure form of matter. More than one. क्यों? दो वाला नहीं consider हो सकता? दो वाला mixture हो सकता है ना? दो वाला mixture होगा या नहीं होगा? दो वाला हो जाएगा. हाँ, mixture होगा ना? More than one. एक से ज़्यादा क्या होता है? दो. ठीक है? More than one type of पार्टिकल्स इन या मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. यहां तक नोट कर लिया. नेक्स्ट पे चले. मिटा दें. तो अगर हम बोले सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम क्लोराइड में भी तो दो चीजें हैं, तो ये मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस. सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड. नमक प्योर नहीं होता? नमक में कुछ और भी होता है या सिर्फ नमक होता है? हर एक नमक दूसरे नमक से सेम है? तो वो पार्टिकल सारे सेम है, पर वो एक 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 से ज्यादा चीज से बना है, पर एक से ज्यादा चीज से बना हो और वो सारी चीजें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो भी चलो मिक्सचर की बात नहीं हो रही. पॉइंट इज दिस कि पानी, पानी भी तो दो चीजों से बना है, वो मिक्सचर है या कंपाउंड? मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस? तो हम ये नहीं सोचेंगे कि नमक NaCl या वॉटर ये दो चीजों से बने हैं तो ये मिक्सचर है. दे आर नॉट मिक्सचर, ठीक है. दे आर कंपाउंड्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस होते हैं. तो अगर पानी और नमक मिला दें ऑन द अदर हैंड, तो वो एक मिक्सचर है. पानी और नमक मिलाना एक मिक्सचर है. इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक एक बैग में हमारे पास पेन्स है. क्या है? पेन. तो ये बैग में सारे के सारे सेम पार्टिकल्स हैं या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? सेम है, ठीक है. पर ऐसे तो देखा जाए तो कैप्स और बॉडी है उसके अंदर. पेन के अंदर क्या होता है? एक कैप और एक बॉडी. हाँ या ना? तो वो अलग सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है, तो अब वो मिक्सचर हो जाना चाहिए. पर पॉइंट ये है कि ये दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं, ये दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं और ये एक पार्टिकल बनाते हैं. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक पार्टिकल. पेन एक पार्टिकल सोचते हो ना तुम, तो उसमें ये तो नहीं सोचते बॉडी कैप, ऐसे तो नहीं सोचते अलग अलग, पेन को एक पार्टिकल समझते हो. इसी तरीके से H2O में O और H जुड़े हुए हैं, O और H जुड़े हुए हैं, तो ये एक पार्टिकल बन गए. पूरा ही एक पार्टिकल बन गए, पूरा का पूरा एक पार्टिकल है, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूल. इसे क्या बोलते हैं?
तो वॉटर इज अ प्योर सब्सटेंस क्योंकि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, या इज इट अ मिक्सचर? प्योर सब्सटेंस क्योंकि इसका एक पार्टिकल में दो चीजें हैं, उसके एक ही पार्टिकल के अंदर दो चीजें हैं, पर पूरा पानी किससे बना है? एक ही पार्टिकल से, दैट इज H2O. क्लियर ये पॉइंट नानवी? तो अब अगर हम बात करें NaCl, NaCl इज अ मिक्सचर और अ कंपाउंड, मिक्सचर और अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्योंकि ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसका एक मॉलिक्यूल NaCl है तो सारे मॉलिक्यूल NaCl है, तो सारे अलग नहीं है एक भी कोई दूसरा, ठीक है. पर अगर हम चीनी और पानी बनाते हैं या पानी और चीनी मिलाते हैं, क्या पानी चीनी मिक्स हो गए, क्या ये जुड़ चुके हैं? नहीं. तो ये अभी भी अलग है ना, अलग अलग है ना, नमक और पानी अलग अलग है ना, नमक का टेस्ट भी आ रहा है, पानी का टेस्ट भी आ रहा है, कैसे तो नहीं कुछ अलग आ रहा टेस्ट, कुछ मिक्स करके कुछ नया टेस्ट आ रहा. जैसे H2 कंबस्टिबल होती है, आग लग जाती है, O2 कंबस्टिबल होती है, पर वाटर नहीं होता, वाटर पानी को बुझाता है. तो नमक और पानी दोनों की प्रॉपर्टी आ रही है तो वो मिक्सचर है. H2 और O2 की दोनों की प्रॉपर्टी आ रही है, कुछ नई प्रॉपर्टी आ रही है, न्यू प्रॉपर्टी आ रही है वाटर के केस में, तो वो एक नया कंपाउंड, नया पार्टिकल बन गया. क्लियर ये पॉइंट? तो इज दिस क्लियर कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, मिक्सचर और उसमें प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है? यस और नो? तो अगर हम बात करें सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल, क्या एग्जाम्पल है मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस? मिक्सचर है. सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा मिक्सचर है? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है. अच्छा, तो मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस. अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर एंड द अदर. लिस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, क्वेश्चन नंबर हमें बोल रहा है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर. तो एक टेबलो फॉर्म बनाते हैं, कम ऑन, एक साइड लिखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरी साइड लिखेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है. तो सबसे पहले पॉइंट है इनके डिफरेंस में, फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर, इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी ये एक बार मिक्स होने के बाद हर जगह बराबर फैल जाता है. जैसे चीनी और पानी को अगर हम मिक्स करते हैं, अगर चीनी नीचे सेटल ना हो तो पूरा मिक्सचर इक्वली मीठा लगता है, अगर चीनी नीचे होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे की मीठा ज़्यादा लगता है ना, पर अगर चीनी पूरी मिक्स हो चुकी हो तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में आ जाती है. किस में आ जाती है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. और हेटरोजीनियस मिक्सचर में इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या था? हमने बोला शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन एग्जाम्पल किसके हैं? यश, होमोजेनियस के, शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन. अच्छा, हेटरोजेनियस के एग्जाम्पल हमने सॉइल और सॉफ्ट ड्रिंक देखा. अच्छा नहीं, वो भी चलो, सॉफ्ट ड्रिंक भी वो है तो हम बोल सकते हैं सॉइल, एयर भी होमोजेनियस है पर जो डस्ट होता है एयर में वो हेट्रोजेनियस. अच्छा, सॉइल भी कभी कभी होमोजेनियस हो जाती है तो हम बोलेंगे इसका एग्जांपल लेंगे सॉल्ट एंड शुगर. सॉल्ट एंड शुगर को एक जगह मिक्स करें तो क्या वो यूनिफॉर्म बनेगा या नॉन यूनिफॉर्म? सैंड एंड सॉल्ट या सैंड एंड शुगर? सैंड एंड वाटर भी हो जाएगा, ठीक है. एयर होमोजेनियस है, अगर प्योर एयर लेके चले तो उसमें 80% 78% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, वो हर जगह बराबर है या अलग अलग है? बराबर है, 78% नाइट्रोजन और 20, तो ओवरऑल ये होमोजेनियस है एयर. बट जो स्मोक होता है, स्मोक इज हेट्रोजेनियस क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स और वो सब एक्स्ट्रा, अगर सिर्फ एयर लिखा है तो कितना होमोजेनियस. अच्छा, अगर हम बात करें होमोजेनियस के अंदर एक और पॉइंट है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय होमोजेनियस का एग्जाम्पल. एक और पॉइंट लिखो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन. सिंपल फिल्ट्रेशन से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते. हेट्रोजेनियस में दे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन.
याद रखेंगे। दे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। अगर तुम चाहो तो क्या तुम चीनी और नमक को एक छन्नी से छान कर सेपरेट कर सकते हो? कर सकते हो। नमक पतला होगा और वो छन्नी से नीचे चला जाएगा, और अगर चीनी का साइज बड़ा होगा तो वो ऊपर आ जाएगी। तो चीनी और नमक को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। पर क्या ये पानी और चीनी जब मिक्स हो गए उसको हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इट गोज इनटू द इंटरसेलुलर इंटर एटॉमिक स्पेसेस, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ठीक है, मिटा दूं? तो तीन पॉइंट्स याद रखेंगे। व्हाट इज द सब्सटेंस? सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये वाली बात याद रहेगी। अच्छा, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो बताओगे वो क्या है? अच्छा, एयर मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस? मिक्सचर। अच्छा, ऑक्सीजन गैस? प्योर सब्सटेंस। अच्छा ठीक है, अल्कोहल प्योर सब्सटेंस? अल्कोहल इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा कोल्ड ड्रिंक? मिक्सचर। ठीक है, और अगर हम बात करें नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन? प्योर सब्सटेंस, एक कंपाउंड है। ठीक है, और अगर हम बात करें लेमनेड? मिक्सचर। ठीक है, दिमाग में बैठ गया? अच्छा, होमोजेनियस हेटरोजेनियस में डिफरेंस करते हैं। होमोजेनियस सब्सटेंसेस हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्टरेशन, कैन नॉट बी होमोजेनियस, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्टरेशन। अच्छा, अब सोल्यूशन पे आए, अ सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज अ सोल्यूशन? व्हाट इज अ सोल्यूशन? अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। It has particle size less than 1 nanometer. नहीं, particle size 1 to 1000 nanometer. एक से हजार nanometer तक इसका particle size होता है। तो दो point लिखेंगे। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. And its particle size is 1 nanometer, nanometer कितना होता है? 10^-9. 1 nanometer से 1000 nanometer के बीच में इसका पार्टिकल साइज होता है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? तो ये हमारा हो गया व्हाट इज सोल्यूशन। अच्छा, तो सोल्यूशन के एग्जांपल लेमनेड, ठीक है, सोडा वाटर आर एग्जांपल ऑफ हमारा एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट, तो सोल्यूशन क्या हमेशा लिक्विड में होता है या फिर सॉलिड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सोल्यूशन। ब्रास, अलॉय, अलॉयज आर सॉलिड सोल्यूशंस। ठीक है, और अगर हम बोले गैस का एरोसोल, जैसे अगर हम परफ्यूम्स और वो बना, नहीं वो तो कोलॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया यहाँ तक? अच्छा, अलॉयज आर, अलॉयज की डेफिनेशन, व्हाट आर अलॉयज? डेफिनेशन लिखिए, व्हाट आर अलॉयज? हेलो, ठीक
Alloys are mixtures of two or more metals or non-metal. Mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. And cannot be separated into their components by physical method. तो पूरी डेफिनेशन याद रखें. अलॉयज क्या है? दो मेटल के या एक मेटल और एक नॉन मेटल के मिक्सचर्स हैं. और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय सिंपल फिजिकल मेथड. सिंपल फिजिकल मेथड से दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. तो ये डेफिनेशन याद रहेगी अलॉयज की. यस और नो? ठीक है. तो अब अगर हम बात करें, अलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर एंड बिकॉज इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन. तो अगर हम बोले अलॉय वैसे तो मेटल जैसे ही बिहेव करता है क्योंकि दिखता तो बिल्कुल मेटल जैसे. जैसे हमने टिन जो कैंस होते हैं या फिर हम बात करें ब्रास और ब्रॉन्ज के मेडल या कुछ ऐसा देखा हो तुमने तो लिखते तो बिल्कुल मेटल जैसे ही हैं. तो फिर भी हम उन्हें मेटल ना समझकर हम उन्हें अलॉय इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि अ मिक्सचर ऑलवेज शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. यानी कि एक अलॉय जो होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाता है. तो ये तो याद रखना ही है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज अ मिक्सचर अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर. 30% उसमें जिंक होता है ब्रास में और 70% कॉपर. याद रखेंगे अलॉय की डेफिनेशन याद हो गई. अच्छा, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मींस. ये भी याद रखना है. अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं. अच्छा, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट. किसमें अमाउंट कैसे प्रेजेंट होता है? यूजुअली ठीक है. और सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट. ठीक है, ये वाली बात याद रहेगी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चीनी और पानी में कौन सॉल्यूट? वाटर सॉल्यूट नहीं, चीनी सॉल्यूट. ठीक है, और वाटर सॉल्वेंट. तो शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट शुगर है और वाटर इज अ सॉल्वेंट. अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन. आयोडीन इज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट. तो हम बोलेंगे टिंक्चर ऑफ आयोडीन. याद रखेंगे. ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड इज द सॉल्यूट. गैस कुड ऑल्सो बी सॉल्यूट. गिव एन एग्जांपल वेयर गैस इज अ सॉल्यूट. कोल्ड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक्स. क्लियर ये पॉइंट? हाँ यश, क्या बताया मैंने? वही पॉइंट्स पढ़ के बिल्कुल अच्छा, सही बात. हाँ, तो गिव एन एग्जांपल वेयर गैस इज अ सॉल्यूट. कोल्ड ड्रिंक. गिव एन एग्जांपल वेयर अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट. गिव एन एग्जांपल वेयर वाटर इज सॉल्वेंट. शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, अच्छा, गिव एन एग्जांपल वेयर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर गैसेस. एयर, क्योंकि 78% नाइट्रोजन सॉल्वेंट हो गया और सॉल्यूट क्या हो गया? ऑक्सीजन. दैट इज 21%. हाँ, कौन सी? वो बहुत कम होती है. तो अगर हम एक दो मेन को समझें तो एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट, और बहुत सारे छोटे छोटे सॉल्यूट हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. क्लियर है ये? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन.
सोल्यूशन होमोजेनियस होता है, इसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, इसके पार्टिकल्स आंखों से नहीं दिखते, और सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, ये वाली बात याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट तो आते हैं कंसेंट्रेशन, यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है या नहीं होती? नहीं। अच्छा, व्हाट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाट इज अ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन? लिखेंगे सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट, हाँ, व्हाट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं इट इज द सॉल्यूशन इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस और मोर। लेस। व्हाट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन? इट इज द सॉल्यूशन इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस, सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस, यस नोटेड। All right, concentrated solution को उल्टा लिख देंगे। What is the concentrated solution? Solution in which concentration of solute is high, है ना? अगर मैं solvent की concentration से पूछूं तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोले is the amount of salt, sugar or barium chloride that can be dissolved in वॉटर इन गिवन वॉटर एट अ गिवन टेम्परेचर विल बी सेम और नॉट? अगर मैं बोलूँ चीनी, नमक और बेरियम क्लोराइड, ये तीन चीजें हैं, तीनों को पानी में डालूँ तो ये बराबर घुलेंगे पानी में या कोई ज्यादा कोई कम भी हो सकता है? कोई ज्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी पे, किस पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, the maximum amount of solute that can be dissolved in a given solution, in a given amount of solvent at a given temperature, solvent at a given temperature. At a given temperature, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें what is concentration of solute, तो concentration की definition लिखेंगे, concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution. तो व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डिफाइन कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन क्या होती है? कंसेंट्रेशन होती है, इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। Amount of
सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. तो पॉइंट इज दिस, इज़ोनॉर्मल की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? सोल्यूबिलिटी और कंसेंट्रेशन. सोल्यूबिलिटी होती है कि मैक्सिमम कितनी चीनी घुल सकती है, ठीक है, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में. तो सिर्फ कंसेंट्रेशन डेफिनेशन रिपीट करूं या हो गई? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. अच्छा सुनो मेरी बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी? मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जितना डिजोल्व हो सकता है पानी में, तो उसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है. पर अभी मैंने कबीर ने एक सोल्यूशन बनाया, वो 20% बनाया, और अर्श ने एक बनाया, वो 40% उसमें चीनी डाल दी. तो इनकी कंसेंट्रेशन डिफरेंट है. इनकी कंसेंट्रेशन क्या है? इसने 20 ग्राम डाला, उसने 40 ग्राम डाला. तो एक सोल्यूशन में कितनी चीनी है, कितना सोल्यूट है, वो कंसेंट्रेशन है. और मैक्सिमम इन दोनों का कितना होगा? सेम, वो होगा सॉल्युबिलिटी. 50 ग्राम मैक्सिमम घुल सकती है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इज कॉन्स्टेंट, बट कंसेंट्रेशन विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन कितना सोल्यूट और कितना सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया गया. क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है. तो कंसेंट्रेशन की कुछ टर्म्स है, है ना, और ये तीन दो टर्म्स है हमारे पास, मास बाय मास परसेंट एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट. तो लिखे मास बाय मास परसेंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास बाय मास परसेंट क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और उसका फॉर्मूला क्या है? खुद ही बन जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. नोटेड. अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन कह रहे हैं 40 ग्राम्स कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मास बाय मास परसेंट. 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम वाटर, मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 200. सानिध्य, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 200. आई बता, ठीक है. तो क्वेश्चन कह रहा है 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट को 320 ग्राम वाटर में डाला गया, पर मास परसेंट निकालो. 40 ग्राम सोल्यूट, 40 ग्राम नमक NaCl इन 320 ग्राम वाटर, तो क्या कंसेंट्रेशन है इसकी? मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला लगा. मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 40 ग्राम. मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? 360. वेरी गुड, 320 प्लस 40. तो लिखो मास ऑफ सोल्यूट इज 320. क्वेश्चन नंबर है एग्जांपल 2.1, और इसके अंदर हम कर रहे हैं 40 ग्राम सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट इज 40 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन इज 320 प्लस 40. तो सोल्यूट है हमारा 40 ग्राम. सोल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम. तो हम बोलेंगे सोल्यूशन कितना हुआ? 360 ग्राम, ठीक है. अब अगर हम बोले मास परसेंट, मास परसेंट वुड बी 40 बाय 360 इनटू 100, दिस विल बिकम 100 बाय 9 विच इज 11.11%. ठीक है, नोटेड नकुल, हो गया सॉल्व. नेक्स्ट करें. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर समझ आ गया? यश समझ आ गया? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो. सस्पेंशन पे आ रहे हैं, पर पहले न्यूमेरिकली कर ले. हाँ, क्वेश्चन नंबर, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड इट्स कंसेंट्रेशन.
नहीं, 36 ग्राम नमक डाला 100 ग्राम पानी में, सोल्यूशन कितना है 136। ये कंफ्यूज करेगा, 36 ग्राम नमक डाला 100 ग्राम वाटर में, तो टोटल सोल्यूशन कितना हुआ निकुंज 136। तो फॉर्मूला क्या बना, 36 बाय 136 इंटू 100। सॉल्व करो इसे, हो गया। तो क्या आंसर आया, 26.4%। क्लियर है ये? कुछ यूज नहीं, बाद में। ठीक है, ये बनाए टेबल पूरा जल्दी बना, अभी करेंगे सारे।